आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो फर्स्ट कह रहे हैं कि ClO4- नेगेटिव में 3d पाई p पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो देखो, अगर मैं बात करती हूँ, अगर आपको जानना है कि इसमें किस टाइप के बॉन्ड्स प्रेजेंट है, सो आपको सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। आपके पास क्या है, ClO4 नेगेटिव, राइट। सो यू नो दैट कि क्लोरीन के पास क्या होते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। एंड क्लोरीन ऑल्सो हैज़ द टेंडेंसी टू मेक एटलीस्ट 3 डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, राइट। सो 3 डबल बॉन्ड्स ही ऑक्सीजन के साथ बना सकते हैं। सो इस तरीके से हम दिखा देते हैं। सो 6 इलेक्ट्रॉन्स तो इसने डबल बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लिए। अब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है, सो वो आपका बना लेगा ओ नेगेटिव के साथ, राइट। सो इस टाइप से आपके पास बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। सो देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, सो आपको बताइए कि क्लोरीन के पास क्या होती है, 3d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती हैं, एंड ऑक्सीजन के पास क्या है, 2p ऑर्बिटल्स होंगे, राइट। सो यहाँ पर आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3d और 2p पाई ओवरलैपिंग से आपके पास क्या है, Cl डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का बॉन्ड बना है, राइट। सो बेसिकली यहाँ पर आपके पास क्या है, 3d पाई एंड 2p पाई बॉन्ड्स आपके क्या होंगे, यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, क्लियर। क्योंकि ऑक्सीजन के पास तो हमारे पास 3d ऑर्बिटल्स होती नहीं है, सिर्फ क्लोरीन के पास होती है। तो यस, यहाँ पर आपके पास 3d पाई 2p पाई बॉन्ड्स होंगे, क्लियर। सो ऑप्शन वन आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, फाइन। अब अगर मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करती हूँ, तो नेक्स्ट कह रहा है कि ClO3 नेगेटिव हो गया और NO3 नेगेटिव हो गया, ये आइसो स्ट्रक्चर होते हैं, राइट। सो देखो, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसो स्ट्रक्चर, राइट। सो इफ़ आई टॉक अबाउट, देखो अगर मैं आइसो स्ट्रक्चरल स्पीशीज़ की बात करती हूँ, सो आपके आइसो स्ट्रक्चरल स्पीशीज़ वो होती है जिनकी क्या होती है, सेम शेप होती है एंड हाइब्रिडाइजेशन, राइट। जिनकी सेम शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन होती है, उन्हें हम आइसो स्ट्रक्चरल स्पीशीज़ कहते हैं। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द ClO3 नेगेटिव की बात करती हूँ मैं, सो ClO3 नेगेटिव की अगर मैं बात करती हूँ, अगर मुझे जानना है कि इसकी शेप या हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो मेरे को यहाँ पर स्टेरिक नंबर निकालना होगा। सो आपको बताइए कि स्टेरिक नंबर की हेल्प से आपको हाइब्रिडाइजेशन पता लग जाती है अकॉर्डिंग बाई यूजिंग वेस्पर थ्योरी, राइट। सो स्टेरिक नंबर आपका इक्वल होता है हाफ जो भी आपका सेंट्रल एटम है उस पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्लस आपको करना होता है कितने उसके पास मोनोवैलेंट एटम्स है, माइनस आपको करना होता है अगर उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज हो दैट इज कटायनिक चार्ज, और प्लस करना होता है अगर उस पर कोई नेगेटिव चार्ज हो दैट इज अनायनिक चार्ज, राइट। सो ये स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टेरिक नंबर। नाउ व्हाट वी कैन डू, अगर मैं यहाँ पर आपका फॉर्मूला ये लगाती हूँ फॉर ClO3 नेगेटिव के स्टेरिक नंबर के लिए, सो आप बोलोगे इट विल बी हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के पास होते हैं 7, कोई मोनोवैलेंट एटम्स यहाँ पर है नहीं क्योंकि ऑक्सीजन डायवैलेंट होता है, और अनायनिक चार्ज है तो प्लस 1 कर दीजिए, राइट। सो ये आपका निकल कर आएगा 4 का मतलब होता है आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और नाउ इफ आई टॉक अगर इट्स शेप की अगर मैं बात करती हूँ, देखो क्लोरीन के पास क्या होते हैं, देखो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सो आपका स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ इस टाइप से एग्जिस्ट करने वाला है। देखो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बट एक उसने गेन भी किया होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, राइट। सो स्ट्रक्चर जो होगा वो आपका कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, और एक इसके पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट होगा, राइट। सो ये होता है आपके पास ट्रायगोनल पिरामिडल शेप, इसकी शेप जो होगी वो ट्रायगोनल पिरामिडल होगी, फाइन। अगर ये देखो, अगर इस पर लोन पेयर नहीं होता, सो ये आपका यूजुअल टेट्राहेड्रल होता, बट क्योंकि लोन पेयर है तो इसलिए ट्रायगोनल प्लेनर हो गई है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट NO3 नेगेटिव, सो अगेन आप यही फॉर्मूला लगाओगे, हाफ नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अनायनिक चार्ज है तो प्लस 1 कर दीजिए, सो इट विल कम आउट टू बी 3 का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन हो गई आपकी sp2, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन कॉरेस्पॉन्ड करता है आपके पास ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर को, राइट, अकॉर्डिंग टू वेस्पर, राइट। सो एक था आपके पास, देखो ये ट्रायगोनल पिरामिडल था, राइट, एंड ये दिस इज ट्रायगोनल प्लेनर, प्लस हाइब्रिडाइजेशन भी डिफरेंट है, सो ये आपकी आइसो स्ट्रक्चर स्पीशीज नहीं होंगी। सो इट मीन्स ये आपकी स्टेटमेंट क्या होने वाली है, इनकरेक्ट होने वाली है, राइट। और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बतानी थी, तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बट अगर मैं बात करती हूँ देखो अदर ऑप्शंस की, सो उसमें आपसे पूछा गया Cl2O7 इज मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड, सो देखो ये करेक्ट है, बिकॉज एक मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड वो होती है जिसमें आपका जो नॉन मेटल है, क्योंकि नॉन मेटल की ऑक्साइड्स होती है वो एसिडिक होती है, और अगर अपना नॉन मेटल जो है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, सो इट विल बी मोस्ट एसिडिक, राइट। सो अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की निकालूंगी, सो इट विल कम आउट टू बी, आपने क्लोरीन की एक्सलेट कर लिया और ऑक्सीजन की हमारे पास -2 होती है, तो 7 एटम्स के लिए -14 हो जाएगी, सो यहाँ से एक्स निकल कर आएगा +7, राइट। क्लोरीन की मैक्सिमम भी +7 होती है, सो इसलिए इसकी मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड है। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि ClO- इज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, सो देखो ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है, बिकॉज देखो एक कॉन्जुगेट बेस जो होता है वो आपका एसिड से आपको मिलता है, राइट। सो अगर मैं बात करती हूँ ClO- बेसिकली मतलब इस कॉन्जुगेट बेस की जो एसिड होगी वो बेसिकली आपकी क्या HClO है, राइट। सो जब एक एसिड H पॉजिटिव को लूज करती है, सो वहाँ से आपके पास जो बेस निकलता है उसको हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, राइट। और हमेशा ध्यान रखना HClO जो है ये आपकी वीक एसिड है, राइट, दिस इज़ योर वीक एसिड। सो एक वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो आपका क्या होता है, हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है,
इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, ये बात हमेशा आपको पता होनी चाहिए, राइट। सो एक वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होता है और एक वीक बेस का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड होता है, राइट। सो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये भी करेक्ट है। सो इनकरेक्ट बताना था, सो दैट विल बी ऑप्शन टू। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।